दोस्तों जानवर चाहे कोई सा भी हो, वे हमेशा वफादारी की मिसाल पेश करता है। जैसा कि मैं बकरे की वीडियो दिखाना चाहूँगा एक। ये वीडियो देखी होगी जो ईद के एक दिन पहले की है, जहाँ पर एक बकरे को अपने मालिक से अलग किया जा रहा था, यानी कि अपने उसके मालिक ने उस बकरे को बेच दिया था। और जब उस बकरे को ले जाया जा रहा था तो वे अपने मालिक के गले लगकर रोने लगा और बताने लगा कि मुझे मत ले जाओ प्लीज, मुझे अपने मालिक के पास रहना है। और इस बकरे की कीमत 1,00,000 रुपए लगाई थी। और जब इसके मालिक से इसको अलग किया गया तो ये अपनी प्यार और वफादारी दिखाने लगा और रोने लगा। तो यार गाइस, यार इस बकरे की वीडियो देखकर आपको क्या समझ में आया? इस बकरे की वीडियो ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ऐसा है इसके अंदर? तो दोस्तों यार मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बकरा है, अपने मालिक से पूछना चाह रहा है कि उसकी क्या गलती है, उसको क्यों बेचा जा रहा है। कुछ पैसों के लिए अपने मालिक से उसको जुदा कर दिया है, अपने मालिक ने उसको बेच दिया है, वो भी किसके लिए? यानी कि आप सभी को पता है कि उस बकरे के साथ में अब क्या होगा, जो कि ईद है। ईद के दिन तो बकरे के साथ में क्या होता है आप सभी को पता ही है। और जो जानवर होता है वो इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर जो इंसान होता है वह हमेशा धोखेबाज होता है। वह इंसानों को भी धोखा देता है और जानवरों को भी धोखा देता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, जो कि हमेशा जानवर होते हैं बेचारे, वे इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमेशा वफादारी दिखाते हैं, पर इंसान हमेशा उनको धोखा देता है, उनको बेच देता है, अपने फायदे के लिए जानवरों को बेच देता है। तो दोस्तों यार इस बकरे ने काफ़ी अच्छी सीख दी है और ये बोलना चाह रहा है कि मेरी क्या गलती है, आखिर मुझे क्यों बेचा जा रहा है, इसलिए मैं रो रहा है इस वीडियो के अंदर, जो बकरा आप देख पा रहे हो। दोस्तों यार मैं ये सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इन जानवरों से प्यार करें। हालांकि ये वीडियो कहाँ की अभी तक पता नहीं चला है, पर ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। और ये जो बकरा है, यानी कि अपने मालिक से जब अलग हो रहा था तो अपने इसने सारी फीलिंग बता दी कि कितना प्यार करते हैं। जो जानवर होते हैं वह इंसानों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आप भी अपना ख्याल रखें। इस वीडियो के बारे में आपका क्या बोलना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। भारत माता की जय। धन्यवाद।